दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं एरीरंग S1201 का। यह स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 4 वर्जन के साथ, 4.3 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ, 8 मेगापिक्सल के धांसू कैमरे के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि कौशिक भाई ये किस जमाने का फोन है जो एंड्रॉइड 4 वर्जन पर चल रहा है, अभी तो एंड्रॉइड 14 आ चुका है। तो देखो ये जिस स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये नॉर्थ कोरिया का पहला स्मार्टफोन है। अब नॉर्थ कोरिया के बारे में जैसा कि आप सब जानते हो कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप के चलते टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कई साल पीछे चल रहे हैं। अब अपने अलग इंटरनेट की तरह ही नॉर्थ कोरिया के स्मार्टफोन्स भी अलग ही होते हैं और इन स्मार्टफोन्स के अंदर मिलने वाले फीचर्स भी कुछ अलग ही होते हैं। तो दोस्तों आज हम नॉर्थ कोरिया के इन्हीं वियर्ड स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 2002 तक नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह के मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। उसके पहले लोग बात करने के लिए नॉर्मल टेलीफोन्स का यूज किया करते थे। अब डेटा के अकॉर्डिंग साल 2008 में नॉर्थ कोरिया में 1.18 मिलियन टेलीफोन लाइंस हुआ करती थी, लेकिन इसमें से 90% टेलीफोन्स सिर्फ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के यूज के लिए इंस्टॉल किए गए थे और सिर्फ 10% नॉर्मल सिविलियंस के पास थे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में तब टेलीफोन लगवाना भी एक बहुत लेंदी प्रोसेस हुआ करता था, जिसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, फॉर्म फिल करके अपनी रैंक, टेलीफोन क्यों चाहिए और उसके लिए आप कैसे पे करोगे, ये सब डिटेल्स भरनी पड़ती थी। अब साल 1990s में कहीं कहीं पर टेलीफोन बूथ्स भी हुआ करते थे, लेकिन नवंबर 2002 में जब मोबाइल फोन अवेलेबल किए गए तो इससे नॉर्मल सिटीजन्स के लिए एक फोन रखना काफी आसान हो गया। एक साल के अंदर ही यानी कि नवंबर 2003 तक 20,000 लोगों ने मोबाइल फोन्स परचेस कर लिए थे, लेकिन अप्रैल 2004 में एक एक्सीडेंट के चलते मोबाइल फोन पर भी बैन लग जाता है। दरअसल साल 2004 में नॉर्थ कोरिया में रियोंगचोन डिजास्टर हुआ था, जो एक ट्रेन हादसा था जिसमें दो फ्यूल ले जा रही ट्रेन्स के आपस में कोलाइड करने से धमाका हुआ था और 54 लोग मारे गए थे। ये हादसा रियोंगचोन प्रोविंस में हुआ था जो नॉर्थ कोरिया की एक नॉर्दियन प्रोविंस है। अब जिस स्टेशन के पास ये हुआ था ना, वहां से महज कुछ देर पहले ही नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग इल पास हुए थे, इसीलिए ऐसे रूमर्स फैल रहे थे कि कहीं ये कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट तो नहीं था, और इसी के चलते शायद 2004 में नॉर्थ कोरिया में मोबाइल फोन्स बंद कर दिए गए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है और इसीलिए वहां के डिक्टेटर को हमेशा ये डर रहता है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसी कोई भी चीज नहीं है, और मोबाइल फोन्स और इंटरनेट की मदद से अगर लोग ये जान जाएंगे कि फॉरेन कंट्रीज में लोग कितना फ्रीली लाइफ जी रहे हैं, तो नॉर्थ कोरियन लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए नॉर्मल सिविलियंस को आज तक इंटरनेट की सुविधा नहीं दी गई है। नॉर्थ कोरिया का अपना खुद का इंटरनेट है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो साल 2004 में मोबाइल फोन्स को बैन कर दिया गया और उसके बाद 2008 में इस बैन को हटाया गया, जब एक इजिप्शियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जिसका नाम ओरास्कॉम कंस्ट्रक्शन है उसके साथ जॉइंट वेंचर करके नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने एक 3G मोबाइल फोन सर्विस शुरू की थी जिसका नाम था कोरियो लिंक। और दोस्तों आज भी यही कोरियो लिंक मोबाइल नेटवर्क ही नॉर्थ कोरिया में यूज होता है। कोरियो लिंक में कोई इंटरनेशनल रोमिंग का फीचर अवेलेबल ही नहीं है, यानी आप सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। अब जो भी विजिटर्स नॉर्थ कोरिया घूमने आते हैं ना, वो एक प्रीपेड 3G सिम खरीद सकते हैं जिससे वो इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं, पर डोमेस्टिक कॉल नहीं कर सकते। इतने कम फीचर्स के बावजूद नॉर्थ कोरियंस के लिए ये कोरियो लिंक बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो कहावत है ना कि अंधों में काना राजा। नॉर्थ कोरिया जहां कभी 2G भी नहीं था, वहां जब 3G मोबाइल नेटवर्क आया तो यही वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज थी, और इसके बाद से ही नॉर्थ कोरिया में मोबाइल फोन्स की सेल्स बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ना शुरू हो गई थी। मई 2010 में 1,20,000 लोगों ने मोबाइल फोन खरीद लिया था। अगस्त 2011 तक नॉर्थ कोरिया में 6,60,000 लोगों के पास मोबाइल फोन पहुंच चुके थे, और उसी साल दिसंबर तक 9,00,000 मोबाइल फोन खरीदा जा चुका था। 2012 में 1 मिलियन, 2013 में 2 मिलियन और 2015 में 3 मिलियन लोगों तक मोबाइल फोन्स पहुंच चुके थे। साल 2017 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया के 69% घरों में स्मार्टफोन्स हैं। हालांकि जो 3G डेटा मिल रहा है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि कोरियो लिंक से कोई भी नॉर्थ कोरियन इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट सिर्फ कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फॉरेन रेसिडेंट्स को ही यूज करने को मिलता है। याद रखो, सिर्फ फॉरेन रेसिडेंट्स को, टूरिस्ट्स को नहीं, यानी जो लोग सिर्फ 2-3 महीनों के लिए घूमने जाएंगे ना, उनको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा। बाकी सभी लोगों के लिए एक नेशनल इंटरनेट बनाया गया है जिसको क्वांगमियोंग कहते हैं। क्वांगमियोंग में सिर्फ 1,000 से लेकर 5,500 वेबसाइट्स ही है, और वो भी स्टेट सैंक्शन है, जहां पर आप इनकी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले
वाले न्यूज पढ़ सकते हो और बाकी नॉर्मल सर्विसेज जैसे कि एयरपोर्ट टिकट्स बुक करना ये सब कर सकते हो। अब दोस्तों बात आती है स्मार्टफोन्स की, आखिर नॉर्थ कोरियन स्मार्टफोन्स कैसे वर्क करते हैं, इनमें क्या क्या फीचर होता है। तो देखो साल 2008 से ही सही मायने में नॉर्थ कोरिया में स्मार्टफोन मार्केट की असली शुरुआत हुई थी। हालांकि तब नॉर्थ कोरिया में कोई अपना खुद का ब्रांड मौजूद नहीं था, इसीलिए 2014 में फिर ऐसी न्यूज सामने आई कि नॉर्थ कोरिया अपना खुद का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम था एयर रैंक AS1201। और इसको देखने के लिए और उसके प्रमोशन के लिए किम जोंग उन खुद उस फैक्ट्री में गए थे जहां पर ये स्मार्टफोन बनाए गए। अब वहां पर पहुंचकर किम जोंग उन ने फोन को देखा और कहा कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है और हाई मेगापिक्सल का है। हालांकि उस वीडियो में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं दिखाई गई, सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट ही दिखाए गए थे, जिससे बाद में लोगों को ये पता चल गया कि ये नॉर्थ कोरिया में बने प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये तो चाइना का माल है। वैसे भी जितनी नॉर्थ कोरिया की जीडीपी है ना, उस हिसाब से लगता भी नहीं है कि वो खुद के कंट्री में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बाद में रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये स्मार्टफोन चाइनीज फोन यूनिस्कोप U1201 का कॉपी है और इसको थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ नॉर्थ कोरिया में बेचा जा रहा है और उसको चाइना से ही शिप करके फैक्ट्री में मंगाया गया था जहां पर उसको चेक किया जा रहा था। तो फोन्स के फीचर की बात करें तो नॉर्थ कोरियन फोन्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनका सॉफ्टवेयर दूसरी कंट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये फोन्स प्री डाउनलोडेड गेम्स से भरे हुए होते हैं, जैसे कि एरीरांग 151 में एंग्री वर्ड्स के 5 डिफरेंट वर्जन्स, कार रेसिंग गेम्स, सुपर मारियो गैलेक्सी सिमुलेटर और कैंडी क्रश का एक कॉपी गेम आपको मिलता है। इसके अलावा बाकी कई गेम्स दिए हुए हैं, यानी आप सालों तक इसमें गेम खेल सको, इतने गेम्स इसमें दिए गए हैं। और ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि नॉर्थ कोरियन स्मार्टफोन्स में कोई भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर नहीं होता, यानी आप किसी भी गेम या ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि क्वांगमियोंग जो इनका इंटरनेट है ना, उसमें ऐप स्टोर है ही नहीं। इसके अलावा आपको ये अजीब सी मॉस्किटो रेपेलेंट साउंड ऐप भी मिल जाती है जिससे मॉस्किटो भगाने वाला साउंड निकलता है। अगर आपको न्यू ऐप्स डाउनलोड करनी है तो आपको एक फिजिकल स्टोर पर जाना पड़ेगा, यानी किसी भी फोन शॉप में जाना पड़ेगा और वहां पर आपको एक काउंटर मिलेगा जहां से आप न्यूज ऐप्स फोन में मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये जो न्यूज ऐप्स और गेम्स है ना, ये भी DPRK यानी कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की ऑलरेडी वेरीफाइड एप्स होंगी। अब अगर आप कोई ऐसा ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करते हो जिसे DPRK ने वेरीफाई नहीं किया है तो आपका फोन लिटरली बंद हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स इन फोन्स में डाले गए हैं ना, वो हर एक फाइल को, चाहे वो फोटो हो, ऑडियो हो या एप्स हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसको चेक करते हैं और अगर उसमें दो तरह के इनक्रिप्टेड सिग्नेचर्स नहीं मिले तो वो फाइल डिलीट हो जाती है। अब आखिर वो दो तरह के इनक्रिप्टेड सिग्नेचर्स कौन से? वो है नंबर 1 नेटी साइन और नंबर 2 सेल्फ साइन। नेटी साइन वो इनक्रिप्टेड सिग्नेचर होता है जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ही किसी फाइल में इनक्रिप्ट कर सकती है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट चेक करती है कि किसी फाइल में कोई डेंजरस डेटा तो नहीं है और फिर जाकर उसको अप्रूव करती है। और सेल्फ साइन इनक्रिप्शन वो होता है जो डिवाइस खुद एक फाइल में इनक्रिप्ट करता है। जैसे आप जब कोई फोटो लेते हो ना तो वो आपके फोन की ही फाइल होती है, तो इस इनक्रिप्शन से ये मेक श्योर हो जाता है कि फोन में कोई बाहर की फाइल तो नहीं है जिसमें सेल्फ साइन इंक्रिप्शन ना हो। और इसके अलावा फोन में एक और एप्लीकेशन दी गई है जिसका नाम है ट्रेस व्यूअर, जिसमें उन स्क्रीनशॉट्स का डेटा पड़ा रहता है जो DPRK आपके फोन में हर मिनट लेती रहती है, यानी गवर्नमेंट की हर पल आपके फोन पर नजर रहती है और इसका पता सबको चल जाए इसके लिए भी उन्होंने ऐप दे रखी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया में सभी लोग ये सिंपल स्मार्टफोन ही यूज करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आईफोन और नोकिया के स्मार्टफोन भी यूज कर सकते हैं। तो देखो साल 2011 में एक डेटा सामने आया था, स्टेट काउंटर नाम की एक यूरोपियन इंटरनेट एनालिसिस कंपनी है सिमिलर टू गूगल एनालिटिक्स, और अगर किसी के पास वेबसाइट है ना तो वो इसको डाउनलोड भी कर सकता है अपने वेबसाइट के एनालिटिक्स को देखने के लिए। और जब कोई स्टेट काउंटर को डाउनलोड करता है तो स्टेट काउंटर उसकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों का डेटा, वो कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस, ये सब कुछ जान लेता है और इस डेटा को कलेक्ट करके रखता है। और इसी वजह से 4 जून 2011 को इन्होंने पहली बार नॉर्थ कोरियन आईपी एड्रेस पर एप्पल आईफोन को डिटेक्ट किया था और उसके पहले मई 23 को एक नोकिया स्मार्टफोन को। और अभी आप अगर इनकी वेबसाइट पर जाकर डेटा चेक करोगे तो आपको एक शॉकिंग चीज देखने को मिलेगी, इन्होंने नॉर्थ कोरिया में जितने भी स्मार्टफोन्स ट्रैक किए हैं उसमें से सबसे ज्यादा 76% एप्पल के आईफोन्स है और उसके बाद 9.98% साउमी के और 4.62% सैमसंग के फोन्स है। अब यहाँ पर ये 2000-3000 डिवाइसेस का डेटा ही है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट ना होने की वजह से वहां किसी भी बंदे को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हो सकता
सकता है कि वहाँ के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फॉरेन रेसिडेंट्स एप्पल के आईफोन और इंटरनेट दोनों का यूज करते हो। लेकिन ये फोन आते कहाँ से है? मोस्ट प्रोबेबली इनको भी चाइना से ही लाया जाता है, क्योंकि इस तरह का काम ना चाइना ही कर सकता है और चाइना ही नॉर्थ कोरियंस की मेन मार्केट है। तो दोस्तों, ये है नॉर्थ कोरियन स्मार्टफोन्स की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे आप कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और अगर आप मान लो बिना इंटरनेट के नॉर्थ कोरिया में जी रहे होते तो आपका क्या हाल हो रहा होता? क्या आज आप जहाँ पर हो वहाँ पर हो पाते? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि क्या इंडिया को छोड़कर अमेरिका भाग जाना वाकई में वर्थ इट है। आखिर क्यों मेजरली इंडियंस इंडिया छोड़कर अमेरिका जाना चाहते हैं और क्या अमेरिका में लाइफस्टाइल वाकई में वैसी है जैसे कि हमें दिखाई देती है? वेल, काफी कुछ सीक्रेट से भरा है अमेरिका। जानने के लिए यहां पर टैप करो, इस वीडियो को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।